स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे प्रोफेशनल हैंडीकैम्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये प्रोफेशनल हैंडीकैम क्या है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जो कि हैंडीकैम्स पे है, तो मैंने ये बात कई बार जाहिर की थी कि आजकल हैंडीकैम पे रिसर्च नहीं किया जा रहा, खर्च नहीं किया जा रहा, लेकिन प्रोफेशनल हैंडीकैम्स पे खूब पैसा डाला जा रहा है। तो प्रोफेशनल हैंडीकैम काफ़ी आगे जा रहा है, हैंडीकैम कुछ साल में ख़त्म हो जाएगा लेकिन प्रोफेशनल हैंडीकैम आगे चलता रहेगा। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल कहने से पहले आपको उसका दाम समझना पड़ेगा ना। आप 5000 रुपया में भी हैंडीकैम खरीद सकते हैं, 50,000 में भी खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें आप समझिए जनरली $1500 से लेकर $2000 तक के आसपास में, मतलब बहुत ऊपर मत चले जाइए, मतलब बहुत ऊपर चले जाए तो आप सिनेमा कैमरा खरीद रहे हैं, तो जनरली मतलब 1 लाख से 2 लाख के अंदर, जनरली 2 लाख के अंदर आपको प्रोफेशनल हैंडीकैम मिलना शुरू हो जाता है अच्छा खासा। तो फिर आप बोलोगे प्रोफेशनल हैंडीकैम पे क्या करें, आप ये समझिए कि जनरली हैंडीकैम में जो नॉर्मल हैंडीकैम घर में लोग यूज़ करते थे उसमें सेंसर बड़ा नहीं आता था और लोग DSLR और इंटरचेंजेबल लेंस के पीछे इसीलिए भागे कि बड़ा सेंसर से शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आता था। प्रोफेशनल हैंडीकैम में जनरली अच्छे सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो 1 इंच होगा या APS-C होगा, कभी कभी माइक्रो फोर थर्ड मिल जाता है। तो अगर आप लुक चाहते हैं, फील चाहते हैं, तो जनरली ये सब बेटर देता है। दूसरा, इसमें जो लेंस लगाया जाता है वो कंज्यूमर कैमरा जैसा नहीं बनाया जाता जिसमें 60x 70x के पीछे भाग रहे हैं, इसमें क्वालिटी लेंस लगाने की कोशिश की जाती है। तो क्वालिटी लेंस का आप ये समझिए कि जनरली ये सब लिमिट रहेगा 15x 10x 20x, और कोशिश करते हैं कि कहीं कहीं जगह पे आपको फिक्स्ड एपर्चर मिल जाएगा, यानी कि आप जूम इन और आउट करेंगे तो उस दरमियान आपका वीडियो का एक्सपोजर नहीं चेंज होगा। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग सीरियसली करना चाहते हैं, चाहे वो आपका मिररलेस हो चाहे वो हैंडीकैम हो, ध्यान दीजिए कि उसका एपर्चर चेंज होता है कि नहीं। अगर फिक्स्ड एपर्चर है बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपका मतलब आप वाइड शॉट ले रहे, सब चीज़ ब्राइट ब्राइट खिला खिला कलर आ रहा है, जैसे आपने जूम किया किसी पे सब चीज़ डार्क हो जाएगा, ये आपको दिख जाएगा। बहुत सस्ते कैमरा और महंगे कैमरा में यही सबसे पहले अंतर आ जाता है, मतलब ये हैंडीकैम्स में। तो जनरली प्रोफेशनल हैंडीकैम्स में अच्छे क्वालिटी के लेंस लगाने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्विक कंट्रोल्स के। तो आप ये समझिए कि वीडियो में बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं जिसको आप चेंज करना चाहोगे, तो DSLR तो सीधे सीधे करने नहीं देता, मिररलेस भी नहीं करने देता, बहुत सारा सेटिंग है जो आप सीधे सीधे नहीं चेंज करते। जैसे मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको लगा कोई बोला कि भैया हम लाइट चालू कर रहे हैं, तो आप ठीक है आप सोचोगे ठीक है हम ISO थोड़ा कम कर देते, लाइट बढ़ जाएगा तो ओवर एक्सपोज हो जाएगा इमेज, ठीक है। आप अपना DSLR में कोशिश कीजिए ये करने का, अपना मिररलेस में कीजिए कोशिश करने का। नाइकॉन के कैमरा तो सीधे सीधे बोल रहे थे कि हम एपर्चर ही नहीं चेंज करने देंगे अगर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए, तो ये क्विक कंट्रोल देता है हर चीज़ कैमरा का, जो जो सेटिंग है उसको आप बाहर से ही चेंज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ये बहुत मतलब कीमती है अगर आप वीडियो कर रहे हैं, या मान लीजिए आप शादी में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, या कोई कॉन्सर्ट कर रहे हैं, आपको ये सब सेटिंग मिलना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप फंस जाइएगा, बार बार रिकॉर्डिंग को रोक नहीं सकते। तो इस कारण से ये सब, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल हैंडीकैम काफ़ी मार्केट में आगे जा रहा है, और आपको काफ़ी सारे न्यूज़ एंकर जो ऑन द फील्ड रहते हैं यही इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको ये समझिए कि अगर इतना दे रहे हैं आप 2-3 लाख, तो ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है। हाँ भी और नहीं भी, मतलब बहुत है, मतलब मेरा पूरा कैमरा का सेटअप 1 लाख के अंदर है, मतलब जो लेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये इस्तेमाल कर रहा हूँ 80,000 पड़ा था। तो 1.5 लाख का अगर मैं हैंडीकैम लेता हूँ तो ज़्यादा महंगा है, लेकिन किसके कंपेयर में? अगर आप उसी क्वालिटी का मतलब फुल फ्रेम खरीदना चाहते हैं कि हाँ आपको और बेटर इमेज क्वालिटी चाहिए, तो सिर्फ बॉडी का दाम मैं बताता हूँ $2000 तो सोनी का A7 Mark III, जिसको कहा जाता है फुल फ्रेम में दी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, मतलब इससे ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा ही नहीं। तो उस कारण से $2000 या मतलब 2 लाख रुपया उतना बड़ा नहीं लगता, मतलब उतने में तो सिर्फ कैमरा बॉडी आएगा, मतलब वो 2-3 लाख आप लगा दिए बॉडी खरीदने में उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक लेंस नहीं लगाइएगा वो कोई काम का नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा, उस नज़रिए से आप देखिएगा, तो ये सब आपको सस्ता लगने लगेगा कि हाँ, और ये कंप्लीट पैकेज देता है, मतलब आप खरीदें आपका काम खत्म। मतलब हाँ, आप इसमें भी बहुत चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मतलब LED लाइट ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ये क्या बोलते हैं मतलब बड़े बड़े बैटरी ऐड कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड तो आपको इसमें भी लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि इसमें आप एक बार खरीद लिए तो आपको कभी कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन इसमें लेंस के तरह का तिगड़म नहीं है कि मतलब 50,000 का कैमरा लो, 60,000 का लेंस लो, 70,000 का लेंस लो, वैसे भागता नहीं रहता है। एक बार आप खरीद लिए आपको पता है,
और ये कंप्लीट पैकेज काफ़ी चीज़ में मदद करता है आपको। जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये सब मूवी कैमरा है, सब में देखिए कि ये है मतलब 50 लाख का, ये है ये 25 लाख का है, ये 50 लाख के आसपास का आता है, मतलब ये सब कई लाख की चीज़ है। दाम चेंज होता रहता है इसलिए दाम पे उतना ध्यान मत दीजिए, लेकिन आप समझिए उतना पैसा देने के बाद भी आपको सिर्फ एक फ़ायदा मिल रहा है कि आप लेंस चेंज कर सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि लेंस आपको देते नहीं है साथ में। क्या ये मूवी फील्ड के लिए अच्छा है? हाँ, क्योंकि वो लोग लेंस पे मतलब परफेक्ट लेंस लगाना चाहते हैं, और जो हम लोग लेंस इस्तेमाल करते हैं आप और हम, वो फोटो लेंस है। एक लेंस की प्रजाति आती है जिसे कहा जाता है सीनी लेंस। सीनी लेंस एकदम अलग तरीके से बनाई जाती है, उसका क्वालिटी अलग लेवल पे, उस पर बात ही नहीं करना है। तो वो सब लेंस जो लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि वो लेंस मतलब आपका जो DSLR का सबसे महंगा लेंस है ना, वो भी लगेगा उनके लिए कि उतना तो उनका ब्रीफकेस का दाम आएगा जो जिसमें वो लेंस लिया जाता है। तो मतलब 50-60 लाख से नीचे तो बात भी नहीं स्टार्ट करते हैं। तो कैमरा आपको सस्ता लगने लगा, अरे ये सब तो अरे छोड़ो रे, 200-300 रेड पैक खरीद लो, सोनी FX खरीद लो, ब्लैक मैजिक खरीद लो ना यार, बैकअप के लिए रखे रहेंगे। तो समझिए जब सीनी लेंसेस के बारे में बात करेंगे ये सब बहुत सस्ता हो जाता है। तो उस दरमियान आपको लगेगा कि ले इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, तब आपको मैंने बताया कि प्रोफेशनल हैंडीकैम उस दरमियान आपको सस्ता लगने लगेगा। कि अगर आपको वीडियो बना, और कई सारे डॉक्यूमेंट्री इस पर शूट होते हैं, कई बार तो मतलब हॉलीवुड के पिक्चर में जब कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कैमरा लगाना है जो एक्सीडेंट में क्रैश कर जाएगा, हैंडीकैम्स का फुटेज आपको मिक्स किया जा सकता है, और करते हैं। ऐसा नहीं कि हर फिल्म जो आप देख रहे हैं एक ही कैमरा पे 100% शूट होता है। फिल्म कैमरा में भी कई बार होता है कि फिल्म पे शूट हुआ है और कट कहीं कहीं जगह पे डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल किया गया था। तो इस कारण से आप ये समझिए कि ये प्रोफेशनल हैंडीकैम लगभग ये सब कैमरा के लेवल का आपको कंट्रोल दे देता है। जैसे ये सब कैमरा में आपको मिलेगा कि ISO है, यानी गेन कंट्रोल, वो लाइवली आप चेंज कर सकते हो, रिकॉर्डिंग हो रहा है आप चेंज कर सकते हो, वो भी करने दे देता है। और कॉस्ट कंपेटिटिव, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही दाम देखने लगेंगे वो बहुत बड़ा है, नहीं उतना नहीं। आप किसी भी चीज़ के कंपेयर में देखिए ना, दाम कभी भी आप अकेले मत देखिए। जैसे 1 लाख है तो 1 लाख किसके कंपेयर में, जैसे 1 लाख की बाइक महंगी होती है लेकिन 1 लाख का साइकिल बहुत महंगा है, वहीं 1 लाख का गाड़ी सस्ता गाड़ी है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कॉस्ट कंपेटिटिव है। तो इसको आप ये समझिए कि खरीदने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा। आप मान लीजिए वीडियो आप करना चाहते थे, ठीक है आपने ये ले लिया, आपको फ़ायदा क्या होगा ये समझिए कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं आता। ढंग के जो कैमरा, मतलब आपको मैं कहूँगा कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसका कोशिश कीजिए कि मैनुअल ढंग से पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा मैनुअल डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि तब आपका बहुत हेडेक बच जाएगा। बहुत सारे कैमरा में बहुत सारे फीचर रहते हैं जो लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते कि मैनुअल नहीं पढ़े हैं, या कई बार ऐसा होता है कि मतलब पता ही नहीं था कि ये सेटिंग में ये लिमिटेशन था, जो कि मैनुअल में बड़ा बड़ा करके लिखा रहेगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि अपने जो भी प्रोफेशनल कैमकॉर्डर के बारे में बात हो रही है, आप ध्यान से देख लीजिएगा उसका मैनुअल। लेकिन जनरली किसी भी कैमकॉर्डर में या हैंडीकैम में रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं रहता है। जैसे कि आपका कोई भी DSLR हो, नाइकॉन का DSLR हो या कैनन का DSLR हो, चाहे सोनी का मिररलेस हो, सब में 30 मिनट का लिमिट है। तो ऐसा क्यों है? तो पहले ये समझिए कि जो पुराने कैमरा होते थे डिजिटल कैमरा, उसमें 4 GB फाइल का लिमिट होता था, यानी जो SD कार्ड लगाई जाती थी उसमें जो फॉर्मेट होता था, मतलब कार्ड का जो फॉर्मेट है, मेमोरी फॉर्मेट था, वो फैट सिस्टम था। तो फैट सिस्टम 4 GB से बड़ा एक फाइल नहीं रख सकता था। मतलब कई सारे फाइल रख सकते हैं लेकिन 4 GB से बड़ा एक फाइल नहीं रख सकते। तो 4 GB का 10-20 ठो रखे उसको कोई लेना नहीं, लेकिन 4 GB से बड़ा नहीं होना। तो कैमरा रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकता था। फिर बाद में एडवांस सॉफ्टवेयर आया कि जिसमें ठीक है कैमरा रिकॉर्डिंग करता था 4 GB का, जैसे होता था कट कर देता था, फिर करता था, आपको फुटेज तो मिल जाता था लेकिन आपको सॉफ्टवेयर में दोनों जोड़ना पड़ता था सारा चीज़। तो वो सब हट गया, फिर एक्सफैक्ट फाइल सिस्टम आया जिसमें 4 GB का लिमिट हट गया, ठीक है बहुत बढ़िया। तब क्यों है ये 30 मिनट का लिमिट? आप ये समझिए कि लिमिट इसलिए दिया गया है कि अगर ये सारे मैन्युफैक्चरर अपना कैमरा को यूरोपियन यूनियन में बेचेंगे तो यूरोपियन यूनियन बोलता है कि अगर आपका कैमरा 30 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग करता है तो हम आपको वीडियो कैमरा के हिसाब से चार्ज करेंगे, जिस पर थोड़ा सा टैक्स बढ़ जाता है। तो कोई कंपनी नहीं देना चाहती है, इसीलिए आप और हम लटके हुए हैं ऐसा कैमरा के साथ जो 30 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। पैनासोनिक GH5 के लिए दे दिया है वो टैक्स, इसीलिए आपको 2-3 घंटे का रिकॉर्डिंग मिलेगा, मतलब जब तक सेंसर ओवरहीट नहीं होता या बैटरी खत्म नहीं होता या स्पेस खत्म नहीं हो जाता तब तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सब में Day 1 से हमेशा से ही ऐसा बनाया जाता है, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर इसका पावर कंजम्पशन आप देखना चाहते हैं कि कितना ऊर्जा ये खा रहा है, वो ज़्यादा नहीं है। मतलब ये इसमें और हैंडीकैम में ज़्यादा अंतर नहीं है एनर्जी कंजम्पशन में, और फुल फ्रेम का देखिएगा तो फुल फ्रेम ही ज़्यादा एनर्जी खाता है। तिगड़म ये है क्योंकि ये इतना बड़ा होता है, फिजिकली इतना बड़ा होता है कि आराम से वो गर्मी हटा सकता है अपने बॉडी से विदाउट ओवरहीटिंग। तो ये आराम से 4-5 घंटे तक पूरा दिन तक रिकॉर्डिंग कर सकता है। मान लीजिए आप कोई बड़ा सा कई जगह पे तो दिख जाएगा कि लोग इसको लगा के छोड़ दिए और आराम से अपना लाइव ब्रॉडकास्ट होता रहा, मतलब 6-7 घंटे तक। तो आप समझिए कि ये बनाया जाता है कि ये कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर सके। कुछ कुछ तो इतने एडवांस होते हैं कि आप 2-2 बैटरी भी मिल जाएगा, जिसमें आप एक बैटरी अगर
चार्ज डिस्चार्ज हो गया, बदलिए, दूसरा लगाइए और वो चलता रहेगा। हॉट स्वॉप कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हॉट स्वॉपिंग। और आपको जैसे मैं ये सोनी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें आप ये समझिए कि दो एक्सक्यूटी कार्ड लगता है। उसमें फ़ायदा ये है कि उसमें स्लॉट में LED बत्ती जला होता है, जैसे ही एक कार्ड फिलअप होगा वो बत्ती ब्लिंक करने लगेगा, वो दूसरा में राइट कर रहा है आपको बता देगा कि कार्ड बदल दो। आप कार्ड निकाले, नया खाली कार्ड डाल दिया, वो रिकॉर्डिंग करता रहेगा। तो मतलब समझिए कि आप उस कार्ड को दोबारा खाली कर लीजिए, 3-4 कार्ड रखिएगा तो आप कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे में तो काफ़ी अच्छा ये जिसे हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं क्लीन HDMI आउटपुट भी होता है, तो आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सब देख के आप ये समझिए कि रिकॉर्डिंग ये बहुत लंबा कर सकता है। और लगभग 100% में एक्सटर्नल पावर का फीचर दिया रहता है कि आप बाहर से लगा के पावर इसको चला सकें। ये बहुत कम मिररलेस में रहता है, टिगड़म लगा के कर सकते हैं कि मतलब USB से चला सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली बना नहीं है, ये बना है वो सब चीज़ करने के लिए। फिर वो सब तो छोड़िए, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको और हमको, लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो ये है, इसका ऑडियो बहुत अच्छा होता है। आप में से कोई भी अगर YouTube वीडियो बनाता है या वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश किया है, तो उसको इस तरह का तिगड़म झमेला लेके चलने का आदत पड़ गया होगा। तो आप ये समझिए कि इसमें ऐसा करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये वीडियो के लिए बनाया गया, तो लोग ऑडियो को सीरियसली लेते हैं। तो ऑडियो का इसमें बहुत अच्छा से एम्पलीफायर जो लगाया जाता है वो काफ़ी क्लीन एम्पलीफायर लगाया जाता है। मतलब कोई भी, मतलब आप 1,00,000 का ये प्रोफेशनल हैंडीकैम और 2,00,000 का DSLR, 2,00,000 का DSLR का ऑडियो ख़राब होगा, इसका ऑडियो बहुत अच्छा होता है। कोशिश की जाती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले, और आपको फ़र्क पड़ता चल जाएगा। और कई कई जगह पर तो आप प्रोफेशनल माइक लगा सकते हैं, जिसका और बेटर ऑडियो क्वालिटी होता था। ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल को रिकॉर्डर में लगाइए, रिकॉर्डर में सिंक कीजिए, फिर वीडियो एडिटिंग के दरमियान दोनों का फाइल निकालिए, सिंक कीजिए, वो सब डायरेक्ट कर लेगा। तो किसी किसी में तो 4 लगता है। और सोनी के जो हैंडीकैम आता है, चूँकि सोनी खुद का वायरलेस माइक सिस्टम भी बनाता है, आपको तो तार का भी झंझट नहीं है, ऐसे आके बस कॉलेट लगा दीजिए, काम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ऑडियो के मामले में ये लोग पैसा नहीं बचाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं XLR इनपुट है, जो कि बड़े बड़े माइक में आता है, और इसमें कई कई जगह में पावर्ड इनपुट भी रहता है, कि मतलब बहुत सारे माइक को वोल्टेज चाहिए होता है, फैंटम पावर जिसे कहते हैं, लगभग 48 वोल्ट तक का उसको पावर चाहिए होता है, तो ये सब दे देता है। मतलब कि आप फैंटम पावर माइक भी चला सकते हैं इससे। तो आप समझ लीजिए बहुत बहुत उत्तम क्वालिटी का ऑडियो रहता है, मतलब DSLR और हैंडीकैम के कंपेयर में तो सोचना ही नहीं, ये ऑडियो के मामले में सीधे छक्का मार देता है। फिर आपको मैंने बताया कि हर चीज़ में ये लाइव कंट्रोल देता है, तो आपको प्रोफेशनल हैंडीकैम का एक फीचर आपको बहुत दूर से ही देख के समझ आएगा कि इसमें जनरली 3 रिंग रहता है, एक रिंग रहेगा जूम के लिए, एक रिंग रहेगा फोकस के लिए, एक रिंग रहेगा एपर्चर के लिए, और ये सब ड्राइव बाय वायर रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप घुमाइएगा तो कुछ घूम रहा है, वो सिग्नल भेजेगा। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपको लगा कि कुछ थोड़ा सा ड्रामेटिक इसके लिए सीन थोड़ा डार्क करना चाहते हैं, आराम से एपर्चर घुमा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ये नहीं बोलेगा नाइकॉन की तरह कि स्टॉप द रिकॉर्डिंग देन चेंज द एपर्चर, वो आराम से करेगा। प्लस ऑडियो में भी आप देखिए कि नॉब दे देते हैं जो आप डायरेक्ट कंट्रोल कर, जैसे मान लीजिए आप कोई प्ले को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि अब एक्टर चिल्लाने वाला है, तो आप पहले ही उसको आराम से उसका नॉब कम कर सकते हैं, भैया उसका माइक क्लिप ना करे। तो इतना सब फीचर आपको कोई भी हैंडीकैम में नहीं ले। और अगर दाम इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि वीडियो करना है मुझे, मेरा काम है वीडियो करना, चाहे वो शादी का हो, चाहे कोई इंटरव्यू हो, चाहे ये हो, तो आप DSLR लेने के बाद बहुत तेज सिर पीटेंगे, मिररलेस लेने के बाद बहुत तेज सिर पीटेंगे, क्योंकि एक बार आपके पास वो 30 मिनट का रिकॉर्डिंग का लिमिट आएगा, तो आप धार से दौड़िए कैमरे के पीछे, धार से रीस्टार्ट कीजिए, और फिर पता चला कि बैटरी खत्म हो रहा है, अब बैटरी आप ये हॉट स्वॉप नहीं कर सकते। चलो बैटरी मान लीजिए आप एक्सटर्नल लगा दिए, अब मेमोरी फुल हो रहा था, अब क्या कीजिएगा, मेमोरी फुल हो रहा है तो प्रॉब्लम है उसमें, इसमें हॉट स्वॉप आता है, कोई भी इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा में हॉट स्वॉप नहीं आता। तो इस कारण से आप समझिए कि अगर वीडियो आपका रोजी रोटी है, ब्रेड एंड बटर है, तो 2,00,000 के आसपास में आपको बहुत अच्छा ये मिल सकता है, क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल हैंडीकैम जो 4K फुटेज और 422 देगा। मतलब कलर कोडेक्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, फॉर्मेट भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत क्लियर फोटो आती है। और चूंकि ये लोग सेंसर जो इस्तेमाल करते हैं वो फोटो सेंसर नहीं होता, 8 मेगापिक्सल के आसपास का ही सेंसर इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहोगे कि यार 8 मेगापिक्सल का कर रहे हैं, खराब बात नहीं है। आप ये समझिए कि जो फोटोग्राफी हो रही है उसमें मेगापिक्सल ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन वीडियोग्राफी में कम चाहते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा मेगापिक्सल लेते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि 4 पिक्सल को लेकर डेटा उसको 1 पिक्सल में मैथमेटिकली करके फिर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। इसीलिए कैनन का कैमरा आपको फुल फ्रेम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता 4K पे। लेकिन अगर आपका सेंसर ही लो मेगापिक्सल है तो फ़ायदा ये होता है, 1 पिक्सल बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो अच्छा हो जाता है। मतलब समझिए लगभग रात में देख सकता है, पहला सबसे बड़ा फ़ायदा वो होता है। दूसरा, प्रोसेसर ज़बरदस्ती का मेहनत नहीं कर रहा कि भैया हमको 24 मेगापिक्सल का फोटो लेना, और आप ये समझिए 4K 24 मेगापिक्सल का फोटो नहीं होता, 4K सिर्फ 8 मेगापिक्सल का होता है, तो वो ऐसे लेके फोटो को कंप्रेस करके फिर जबरदस्ती का नहीं दे रहा है। तो ये दोनों का इस्तेमाल करके आपको जनरली लगभग लो लाइट में सेम क्वालिटी मिल जाएगा। तो आप समझिए कि अगर वीडियो आपका रोजी रोटी है तो प्रोफेशनल हैंडीकैम आपको काफी अच्छा सूट करेगा। 90%
कि इसमें वो सारा इंटरचेंजेबल लेंस सिस्टम से आगे चलेगा, और आप भरोसा कर सकते हैं ये सब बनाया जाता है कि कंटिन्यूसली 4-5 घंटा कम से कम चल सके। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल हैंडीकैम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ ऐसा है तो आप लाइक कर दीजिए, नहीं लगा कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कैमरा ट्यूजडे के माध्यम से, और सब्सक्राइब करिए। अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।